स्टार्ट किया दोबारा। हाँ जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। बेहतर हुई? जी बेटा, हम लोग ने एक पढ़ लिया था गैस लॉस, ठीक है, और आज हम डिस्कस करने लगे हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट, हेडिंग लिखिए ट्रांसफर ऑफ हीट। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं इससे पहले कि कनेक्शन दोबारा खराब हो जाए। ट्रांसफर ऑफ हीट, हाँ जी ट्रांसफर ऑफ हीट। कहाँ जाती है हीट बेटा? हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। बेटा वो लाइट ऑफ करो, रिफ्लेक्शन आ रहा है। हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। कब तक होती रहती है? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी टिल थर्मल इक्विलिब्रियम। लिख लेते हैं, हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी टिल थर्मल इक्विलिब्रियम, टिल थर्मल इक्विलिब्रियम। ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या हुआ होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम होता है जब दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाता है। जब ए से बी तक जितनी हीट आ रही है उतनी बी से ए तक हीट आ रही हो तो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। जब दो बॉडीज में थर्मल इक्विलिब्रियम होता है तो दोनों का सेम टेम्परेचर होता है। तो हीट कहां जाती है? फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, सबको पता है। ओके, ये जो रेट ऑफ हीट फ्लो होता है ना, ये टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है। दिखता हूं, द रेट ऑफ हीट फ्लो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस। रेट ऑफ हीट फ्लो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस। द रेट ऑफ हीट फ्लो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस। क्या मतलब है? मतलब यह कि जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतना हीट फ्लो ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और यहां सराउंडिंग है, सराउंडिंग्स सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। ये बॉडी एक्स है, ये क्या करेगी? हीट कहां जाएगी? सराउंडिंग से एक्स में आएगी कि एक्स से सराउंडिंग में जाएगी? तो ऑब्वियसली एक्स से सराउंडिंग में जाएगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है। अच्छा, अभी शुरू में इनका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? इनिशियली ये 100 पर है, वो 20 पर है, 80 का टेम्परेचर डिफरेंस है। तो हीट क्या करेगी? तेजी से फ्लो करेगी। फिर इसका टेम्परेचर 80 तो नहीं रहेगा, जब हीट निकलेगी इसका टेम्परेचर 90, सराउंडिंग 20 पे रहेगी। सराउंडिंग को क्या फर्क पड़ेगा? थोड़ी बहुत हीट एब्जॉर्ब करके, सराउंडिंग बहुत बड़ी है ना, उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 20 रहेगा। अच्छा, फिर इसका टेम्परेचर 90 हो गया, सराउंडिंग 20 पे बैठी हुई है, टेम्परेचर डिफरेंस 70 हो गया। फिर इसका टेम्परेचर 70 हो गया, ये सराउंडिंग 20 पे बैठी हुई है, टेम्परेचर डिफरेंस 50 हो गया। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, सराउंडिंग से टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा, रेट ऑफ हीट फ्लो कम होता जाएगा। शुरू में तेजी से ठंडा होगा, बाद में ग्रेजुअली ठंडा होगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो आपको यूं समझ में आएगा। देखो, यहां पे टेम्परेचर ऑफ बॉडी, यहां पे टाइम। इनिशियल टेम्परेचर कितना है? यहां से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, 100 से। फाइनली कहां तक आ जाएगा? इस लेवल तक आ जाएगा, इस लेवल तक। तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? ग्राफ कैसा बनेगा? टॉप से स्टार्ट होगा, यहां से स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं आएगा, यूनिफॉर्म रेट पे नीचे नहीं आएगा, बल्कि यू डिक्रीजिंग रेट पे नीचे आएगा। यू शुरू में ग्रेडियंट ज्यादा, मतलब तेज से ठंडा हो रहा है, बाद में ग्रेडियंट कम और कम और कम, ग्रेडियंट कम होता जा रहा है ना। ये नेगेटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है ना, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है ना, लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रही है ना। शुरू में तेज से नीचे आ रही है, बाद में स्लोप और स्लो और स्लो और स्लो नीचे आती जा रही है। तो क्या होता जा रहा है? जैसे जैसे क्या होता जा रहा है? इस बॉडी का टेम्परेचर कम होता जा रहा है, सराउंडिंग से टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जा रहा है, ग्रेडियंट कम होता जा रहा है। ग्रेडियंट होता है रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट। ग्रेडियंट का मतलब होता है रेट, तो इसका ग्रेडियंट कम होता जा रहा है ना। तो हीट ट्रेवल करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, पहली बात।
ये जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है ये टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है, जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ हीट फ्लो ज्यादा होगा। तो अगली स्लाइड पे देखते हैं, कॉपी कर लें प्लीज, यहां पे लिख देता हूं, रेट टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो रेट ऑफ हीट फ्लो भी ज्यादा होगा। अपेरोबिन ज्यादा होगा, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो रेट ऑफ हीट फ्लो भी ज्यादा होगा। शुरू में ग्रेडियंट ज्यादा है, बाद में ग्रेडियंट कम हो रहा है। ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ हीट फ्लो। ग्रेडियंट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ हीट फ्लो। प्लीज कॉपी करें। इसके बाद हमारी क्लासेस कोई भी नहीं है एकेडमी की, क्यों नहीं मसला सॉल्व हो रहा? आपकी लास्ट क्लास नहीं है ओ लेवल्स की? हमारी लास्ट क्लास है ओ लेवल्स की, इसके बाद होगा ना सर? तौसीफ की क्लास का टाइम इसके बाद होगा, मेरी क्लास के बाद। मैंने कहा था आप ओ लेवल्स की क्लास आखिरी रखें, हमारी बच्चे सब पढ़ चुके हो। जी कॉपीड, ओके बेटा नेक्स्ट। अब देर आर फोर प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, देर आर फोर वेज ऑफ हीट ट्रांसफर, लिख लें, देर आर फोर वेज ऑफ हीट ट्रांसफर। कौन कौन से? नंबर वन कंडक्शन, नंबर टू कन्वेक्शन, प्लीज कॉपी करें जल्दी से, नंबर थ्री रेडिएशंस, एंड नंबर फोर एवेपोरेशन। मेनली ये तीन होते हैं लेकिन ये भी हीट प्रोसेस होता है, असल में तीन ही होते हैं लेकिन ये चौथे में भी हीट ट्रांसफर होती है। कंडक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, एवेपोरेशन, देयर आर फोर वेज ऑफ हीट ट्रांसफर। जल्दी से कॉपी करें। कौन सी क्लास के साथ क्लैश आ रहा है आपका? एकेडमी में तो हमारी बंच पार्क में तो कोई क्लास नहीं है। अगर क्लैश आ रहा है तो सर तौसीफ से करके आप कोई और टाइम रख लें, सब बच्चे जिस पे एग्रीड हो उन्हें कहूंगा किसी और टाइम पे लेने क्लास। लेकिन ये है कि अब एक बच्चे के लिए तो बेटा टाइम नहीं चेंज कर सकते ना हम लोग यार, आप भी कुछ ख्याल किया करें, किसी और टीचर को कहें वो टाइम चेंज कर ले, हमारा तो पहले से चल रहा है। ओके, देयर आर फोर वेज ऑफ हीट ट्रांसफर, प्लीज कॉपी करें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कंडक्शन, हेडिंग लिखिए कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? यू नो कंडक्शन ये होता है, कंडक्शन की एग्जांपल पहले बताता हूं। अगर आप स्पून को, स्पून पकड़ा हुआ अपने हाथ में और स्पून को जरा फ्लेम के ऊपर करें तो थोड़ी देर बाद देखेंगे आपके हाथ भी गर्म हो जाएगा, आपको हाथ को वो गर्म फील होगा जो स्पून है। तो वो जो स्पून के में हीट ट्रांसफर हो रही है वो कंडक्शन के थ्रू हो रही है, मेनली थ्रू कंडक्शन हो रही है। कंडक्शन, कंडक्शन में क्या होता है? एटम टू एटम, एटम कोलाइड करते हैं, साथ वाले नेबरिंग एटम से इंटरेक्ट करते हैं और टक्कर मार के अपनी हीट ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि कंडक्शन में ये कोई मेटेलिक बार है और यहां पर ये एटम से मिलकर बनी है, एटम्स बना रहा हूं, यहां से हीट अप करता हूं। तो जब यहां पे हीट अप करूंगा थोड़ी देर बाद हीट ए से चल के बी पे पहुंच जाएगी, हीट यूं आएगी। क्या होगा? पहले ये वाले एटम्स हीट गेन करेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, आगे वाले को टक्कर मारेंगे, फिर वो आगे वाले को अपनी एनर्जी उनको ट्रांसफर करेंगे, फिर वो आगे वाले को टक्कर मारेंगे, वो आगे वाले को टक्कर मारेंगे, वो आगे वाले को टक्कर मारेंगे। ये जो हीट जा रही है ना ये मेनली थ्रू कंडक्शन जा रही है। तो कंडक्शन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ हीट
ड्यू टू इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस और कोलिजंस. देखते हैं व्हाट इज कंडक्शन. इट इज ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू इंटर एटॉमिक ड्यू टू इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस और कोलिजंस. चले समझ लें आप. हाँ जी, इट इज ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस और कोलिजंस. एक और पॉइंट लिखिए फिर समझाता हूं. ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस और कोलिजंस. कॉपीड. कंडक्शन क्या होता है? इट इज ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस और कोलिजंस. एक्सप्लेन करते हैं, ये इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं. व्हेन एंड ए इज हीटेड, ये नजर आ रहा है एंड ए इज हीटेड. व्हेन एंड ए इज हीटेड द एटम्स एट ए एटम्स एट ए गेन काइनेटिक एनर्जी. दे बिगिन टू वाइब्रेट मोर विगोरसली. देयर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस इंक्रीजेस. एटम कोलाइड विद अ नेबरिंग लेयर ऑफ एटम्स. दीज एटम्स कोलाइड विद नेबरिंग एडजस्टेंट लेयर्स ऑफ एटम. नेबरिंग एडजस्टेंट ज्यादा अच्छा वर्ड है. एडजस्टेंट लेयर्स ऑफ हाँ जी, दीज एटम्स कोलाइड, कोलाइड लिखा हुआ है, विद द नेबरिंग और एडजस्टेंट लेयर ऑफ एटम्स एंड ट्रांसफरिंग दीज एनर्जी टू द एडजस्टेंट लेयर्स. नाउ एडजस्टेंट एटम्स गेन एनर्जी. And collide to the next layer and collide to next layer of atoms and so on. बेटे waves की तरह matter आगे नहीं जा रहा, energy आगे जा रही है. क्या हो रहा है? पहले ये atom fast हुए, इन्होंने इनको टक्कर मारी, इन्होंने आगे वालों को टक्कर मारी, इन्होंने आगे वालों को टक्कर मारी, इन्होंने आगे वालों को टक्कर मारी एंड सो ऑन. तो एनर्जी आगे जा रही है. हॉट एंड टू कोल्ड एंड. ए हॉट एंड है, कोल्ड एंड बी है. ये इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन से जो एनर्जी आगे जा रही है, ये कंडक्शन है. अभी सिमुलेशन दिखाता हूं मैं आपको. कॉपी करें जल्दी से. हाँ जी,
पहले ये एटम एनर्जी गेन करेंगे, इनके एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, आगे वाले को टक्कर मारेंगे, आगे वाले को टक्कर मारेंगे, आगे तो एनर्जी आगे जाती जाएगी। फिर ये एटम्स भी फास्ट हो जाएंगे। एटम्स का फास्ट होना क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर होता क्या है? मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक वीडियो देखिए, सिमुलेशन देखिए जरा। ये देखिए, यहां से हीट अप कर रहा हूं, ये एटम तेज हो रहे हैं, आगे वाले को टक्कर मार रहे हैं, आगे वाले को टक्कर मार रहे हैं, रेड होते जा रहे हैं, एनर्जी आगे जाती जा रही है। दोबारा दिखाता हूं, सब रेड मीन सबका टेम्परेचर ज्यादा हो गया। ब्लू है ना, पहले यहां से हीट आगे गई, फिर यहां से हीट आगे गई, फिर यहां से हीट आगे गई, ये रेड होते जा रहे हैं। रेड मीन मोर एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ये फ्लेम है, ये हॉट एंड है और ये कोल्ड एंड है। एनर्जी कहां जा रही है? हॉट एंड टू कोल्ड एंड। शुरू कहां से हुई? ये ब्लू, ये निम्न एनर्जी गेन की, टक्कर मारी, आगे वाले को टक्कर मारी, आगे वाले को टक्कर मारी, आगे वाले को टक्कर मारी। तो इस तरीके से एनर्जी आगे जा रही है। अच्छा, अब खाली ये मैकेनिज्म नहीं होता कंडक्शन में, कंडक्शन में एक और मैकेनिज्म भी होता है। वो क्या होता है? कंडक्शन में यहां पे हमारे पास होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो जब ये एटम एनर्जी गेन करते हैं ना, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे मूव फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जाते हैं और ये भी एनर्जी आगे ले जाते हैं। तो जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो एक और लाइन लिख लें इसके नीचे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन कंडक्शन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन कंडक्शन, फ्री इलेक्ट्रॉन ई नेगेटिव ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन कंडक्शन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन कंडक्शन, दे मूव फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड टेकिंग देयर एनर्जी विद देम। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड ट्रांसफर हीट एनर्जी। तो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा। मेटल्स गुड कंडक्टर होती है ना, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती हैं। एक तो एटम टक्करे मार के एनर्जी आगे भेज रहे हैं, या आगे आगे वालों को टक्कर मार रहे हैं, इनकी एनर्जी कम है, कम है एम्पलीट्यूड पे। टक्कर लगने से विग्रस होगी, देखो ये सब तेज हो गए, मतलब यहां से हीट यहां पे पहुंच गई है। ये तो कोलिजन्स के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है, इंट्रैक्शंस के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है, इसको बोलते हैं कंडक्शन। और फिर फ्री इलेक्ट्रॉन भी कंट्रीब्यूट करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? हॉट एंड से कोल्ड एंड पे मूव करते हुए जाते हैं और अपनी एनर्जी ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, लाइन में बच्चे बैठे हुए, आप सब लाइन में बैठे हुए, स्टूडेंट्स लाइन में बैठे हुए, मैंने पहले स्टूडेंट को टक्कर मारी, इससे आगे वाले को टक्कर मारी, उससे आगे वाले को टक्कर मारी, उससे आगे वाले को टक्कर मारी, एनर्जी आगे जा रही है ना। तो एक और भी तरीका है कि पहला स्टूडेंट आखिरी स्टूडेंट तक एनर्जी कैसे पहुंच सकता है? पहले स्टूडेंट के हाथ पे बॉल है, उसके मुंह पे मार रहा है आगे दूर दूर से, तो एनर्जी पहुंचेगी ना। एक तो टक्कर मार रहा है आगे वाले एटम को, आगे वाले एटम को, आगे वाले एटम को, तो पहले एटम से आखिरी एटम तक एनर्जी टक्करे खा के पहुंच रही है, डोमिनेंस की तरह, वेव्स की तरह। दूसरा क्या तरीका है कि मेरे हाथ में बॉल हो और मैं यूं फेंक दूं, वो दूर वाले एटम को जाकर टक्कर मारे। तो एनर्जी पहुंचाने के दो तरीके, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड। अगली सिमुलेशन में दिखाता हूं, देखो ये, देखो ये ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेटा बताता हूं, फ्री आइंस नहीं, हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, आइंस ही हैं इलेक्ट्रॉन्स। देखो इसमें पॉजिटिव आइंस हैं, ये रुके हुए हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आइंस हैं। ये व्हाइट है, अभी यहां पे रेड हो गया तो हीट आई, और ये ब्लू वाले डॉट्स इलेक्ट्रॉन्स यहां से वहां जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम, फ्लो फ्रॉम, डिफ्यूज फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड। यहां पे आग लगी हुई है, यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है ए एंड पे, यहां पे टेम्परेचर कम है। एक तो कोलिजन्स के थ्रू हीट आगे जा रही है, और ये ब्लू वाली चीजें इलेक्ट्रॉन भी इधर से उधर जा रहे हैं, अपनी एनर्जी साथ लेके जा रहे हैं। तो कंडक्शन में दो प्रोसेस होते हैं, कोलिजन्स एंड मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इंटर एटॉमिक कोलिजन्स होते हैं एंड मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्शन में दो प्रोसेस होते हैं। अच्छा बेटा, कौन सी चीजें अच्छी कंडक्टर होंगी?
कौन सी चीजें अच्छी कंडक्टर होंगी बेटा? विच मटीरियल्स आर गुड कंडक्टर्स? गुड कंडक्टर ऑब्वियसली वो होंगे जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और क्या होंगे? जिनमें एटम प्रॉपरली अरेंज्ड हैं, प्रॉपरली अरेंज्ड हैं, मतलब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, एक लेयर अगली लेयर अगली लेयर, ये नहीं कि एक लेयर है तो रैंडम लेयर नहीं है। अगर एक क्रिस्टलाइन रेगुलर रिपीटेड स्ट्रक्चर है तो फिर वो अच्छे कंडक्टर होंगे। तो अच्छे कंडक्टर वो होते हैं जिनमें एटम्स का रेगुलर प्रॉपर अरेंजमेंट होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लिख लें, आपने लिखा था इलेक्ट्रॉन ऑल्सो मूव फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड, लिख लिया ना, उसके बाद लिखिए गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स हैव नंबर वन अरेंज्ड लेयर ऑफ एटम्स, रेगुलर रेगुलर अरेंज्ड या रिपीटेड लेयर्स ऑफ एटम, रेगुलर अरेंज्ड रिपीटेड लेयर्स ऑफ एटम्स, एंड नंबर टू दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये लेयर लिखा हुआ है गंदा सा। गुड कंडक्टर में रेगुलर लेयर ऑफ रेगुलर अरेंज रिपीटेड लेयर ऑफ एटम्स होती है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। हाँ जी, गुड कंडक्टर्स। बैड कंडक्टर इनके ऑपोजिट होंगे, जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा, एटम्स के दरमियान गैप होगा, इररेगुलर गैप्स होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, वो बैड कंडक्टर होंगे। गुड कंडक्टर में ये कुछ होता है, जो हीट को अच्छे तरीके से ट्रांसफर करते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं। गुड कंडक्टर में क्या होगा? रेगुलर रिपीटेड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स होगा और क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा भाई, अगर मैं कंडक्टिविटी को कंपेयर करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू कंपेयर द कंडक्टिविटीज, तो मैं क्या करूं? फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट मटीरियल की रॉड्स है मेरे पास, आइडेंटिकल रॉड्स ले लूं, आइडेंटिकल रॉड ले लेते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल रॉड। यहां पे ना कैंडल वैक्स से या वेजलिन से मैं क्या चिपका देता हूं? थंब पिन चिपका देता हूं, यहां पे या पैलेट चिपका देता हूं, मोती होते हैं ना तस्बीह वाले पैलेट्स, एक रॉड, दूसरा रॉड, तीसरा रॉड, आइडेंटिकल डायमेंशन है, आइडेंटिकल रॉड्स हैं, आइडेंटिकल लेंथ है, यहां भी वेजलिन के साथ कॉमन पिन, यहां भी कॉमन पिन, यहां भी थंब पिन चिपका दी, और इस एंड को फ्लेम के ऊपर रख दिया, फ्लेम के ऊपर रख दिया, तो क्या होगा? जो अच्छा कंडक्टर होगा उसमें हीट जल्दी यहां पे वैक्स तक पहुंचेगी, कैंडल वैक्स तक या वेजलिन तक, उसको मेल्ट करेगी तो उसकी पिन जल्दी नीचे गिर जाएगी। देखिए, अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूं कंडक्टिविटीज को, तो मैं ये कुछ कर सकता हूं, कंपेयरिंग कंडक्टिविटीज। क्या किया? एक कॉपर रॉड ले लिया, एक आयरन रॉड ले लिया, एक ग्लास रॉड ले लिया, इनके साथ नेल्स लगा दिए, नेल्स विद वेजलिन, यहां पर नेल्स चिपके हुए, ये नेल्स है, नजर नहीं आ रहे, मैं हाईलाइट करता हूं, नेल्स हैं, थंब पिन्स हैं, ये चिपकी हुई हैं, और यहां पे फ्लेम है, कैंडल है, कैंडल, आइडेंटिकल रॉड्स लिए, क्या कर रहा हूं मैं? कंपेयरिंग कंडक्टिविटीज, डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट कंडक्टिविटीज, लिख लें आप, डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट कंडक्टिविटीज, डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटीज, थर्मल कंडक्टिविटीज। तो वी कैन कंपेयर द कंडक्टिविटीज एज फॉलो, हाँ जी, वी कैन कंपेयर कंडक्टिविटीज एज फॉलो। क्या करें? आइडेंटिकल रॉड ले लिए, कॉपर, आयरन, ग्लास, आइडेंटिकल रॉड मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ये क्या है? आइडेंटिकल रॉड्स मेड अप
ऑफ डिफरेंट, प्लीज मेक द डायग्राम, मटेरियल्स. यहां पे क्या चिपका दिया? पैलेट चिपका दिया, मोती होता है ना तस्बीह का मोती, वो यहां पे चिपका दिया कैंडल वैक्स के थ्रू या वैक्सीन के थ्रू. तीनों को हीट अप किया. अब कौन सा अच्छा कंडक्टर होगा? जिसका नेल सबसे पहले नीचे गिर जाएगा, जिसका नेल जल्दी गिर जाएगा वो अच्छा कंडक्टर होगा. तो हीट आएगी, यहां से वहां जाएगी, यहां से वहां जाएगी, यहां से वहां जाएगी, तीनों रॉड्स में जाएगी. सबसे अच्छा कंडक्टर कॉपर है, उसके बाद आयरन है, उसके बाद ग्लास है. ग्लास इज पुअर कंडक्टर, इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है. इस तरीके से हम कंडक्टिविटी के कंपेयर कर सकते हैं. द मटेरियल फ्रॉम विच द नेल फॉल फर्स्ट इज बेस्ट कंडक्टर. मटेरियल फ्रॉम विच नेल फॉल्स फर्स्ट इज बेस्ट कंडक्टर. हाँ जी, प्लीज कॉपी कर लें. ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर मैंने क्या कर दिया? तीन ये रख दिए रॉड्स, आइडेंटिकल रॉड्स हैं, आइडेंटिकल डायमेंशन हैं. यहां पे फ्लेम रख दिया, यहां पे कैंडल वैक्स से चिपका दिया, कैंडल वैक्स से या वेजलिन से नेल्स चिपका दिए. तो हीट यहां से वहां जाएगी, हॉट एंड टू कोल्ड एंड, ये हॉट एंड है, ये कोल्ड एंड है. जिसका नेल पहले नीचे गिर जाएगा वो अच्छा कंडक्टर है. सिंपल सी बात है. हम पढ़े कंडक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट. हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड थ्रू कंडक्शन भी होती है. कंडक्शन में क्या होता है? पहले जहां से हीट अप कर रहे होते हैं, जो हॉट एंड होता है, वहां के एटम्स के पास एनर्जी ज्यादा होती है. वो नेक्स्ट लेयर वाले एटम को टक्कर मारते हैं, अपनी एनर्जी उनको ट्रांसफर कर देते हैं. नेक्स्ट लेयर को टक्कर मारते हैं, अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देते हैं. ये टक्करों के थ्रू, कोलिजन्स के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होती है, ये कंडक्शन होती है. और कंडक्शन में एक और प्रोसेस भी होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड, अपनी एनर्जी साथ ले जाते हैं. जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं. डिफरेंट मेटल के डिफरेंट कंडक्टिविटीज होती हैं और हम ऐसे कंडक्टिविटीज कंपेयर कर सकते हैं. अच्छे कंडक्टर में क्या होगा? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. कॉपी कर लें प्लीज, कॉपीड तो बताएं, कॉपीड, गुड. अच्छा बेटा, नेक्स्ट प्लीज, आगे चल रहे हैं. हाँ जी, एक और मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूं, मुझे इसका बताएं. एक और ऑब्जर्वेशन पे कंसिडर करें. इसका मेटेलिक प्लेट, एक और मेटेलिक प्लेट है, स्ट्रेट है, बिल्कुल आइडेंटिकल मेटेलिक प्लेट है. आइडेंटिकल मेटेलिक प्लेट है, ये बड़ी छोटी बन गई है, आइडेंटिकल बनाना चाह रहा था मैं. कुछ आइडेंटिकल हो गई, ये आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स हैं. ये बनी हुई है कॉपर की और ये बनी हुई है आयरन की, Fe आयरन. ये आयरन है, चलिए लिख देता हूं आयरन, और ये बनी हुई कॉपर, आइडेंटिकल. अच्छा क्या किया, इसके नीचे हमने रख दिया, बिल्कुल स्ट्रेट है दोनों, सेम डायमेंशंस की है. यहां पे रख दी कैंडल मिडल में, कैंडल इसके मिडल में. प्लीज डायग्राम बनाइए जरा. इसके भी मिडल में कैंडल रख दी, आयरन शीट, मेटेलिक शीट, ये थिन मेटेलिक शीट्स हैं, थिन आइडेंटिकल मेटेलिक शीट्स, थिन आइडेंटिकल मेटेलिक शीट्स हैं दो. ये कॉपर की बनी हुई है, ये आयरन की बनी हुई है.
इनके दरमियान में, इनके सेंटर पे मैंने क्या रखता, कैंडल ले आया, अ सेंटर इज प्लेस्ड, अ कैंडल इज प्लेस्ड एट द सेंटर, क्या किया, कैंडल इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ ईच शीट। तो क्या हुआ, मैंने नोटिस किया कि यहां पे एक बल्ज अपीयर हो गया है, यूं करके ना ये ऊपर को हो गई है जगह, ये बल्ज अपीयर हो गया है। अब बल्ज अपीयर्स इन आयरन शीट, यहां पे क्या हुआ, वी ऑब्जर्व्ड, आगे लिख दो, वी ऑब्जर्व्ड अ बल्ज, ऊपर को हो गया, बल्ज अपीयर्ड इन आयरन शीट ऑन हीटिंग एंड इट डिसअपीयर्ड एंड इट डिसअपीयर्ड ऑन कूलिंग, इट डिसअपीयर्ड, गायब हो गया No bulge appeared or disappeared on copper. No bulge appears on copper sheet. जी इसको explain करना है आपने, क्या है जी, ये A है ये B है, ये A है ये B है, तो यहां पर क्या हो रहा है, दोनों आइडेंटिकल शीट्स हैं, इसको हीट अप कर रहा हूं तो इसके कुछ नहीं हो रहा, कॉपर को कुछ नहीं हो रहा, यहां पे ऊपर हो जाती है, बल्ज बन जाता है हीट करने पे, और जब कैंडल हटा देता हूं तो बल्ज गायब हो जाता है। आयरन शीट पे ऐसा हो रहा है, कॉपर में ऐसा नहीं हो रहा। अ कैंडल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ईच शीट, वी ऑब्जर्व दैट बल्ज अपीयर्ड इन द आयरन शीट ऑन हीटिंग एंड इट डिसअपीयर्ड ऑन कूलिंग, यहां पर बल्ज आ गया हीट करने पर और जब हीट हटा दी तो वो गायब हो गया, यहां पे बल्ज ना आया ना गया। जी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जल्दी से एक्सप्लेन करें, व्हाट इज हैपनिंग, ये बल्ज क्यों आया और वहां पे क्यों नहीं आया और गायब क्यों हो गया है, सोचें जी, क्वेश्चन है, एक मिनट, is due to expansion lust. ईमान जबरदस्त बेटा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बेटा इसका मतलब ये हुआ, गुड, दोनों को हीट अप कर रहे हैं तो दोनों का ये दरमियान क्या बन गया है, ये बन गया हॉट एंड, ये बन गया हॉट एरिया, ये बन गया हॉट एरिया, अच्छा, और ये साइडें क्या है, ये कोल्ड है, इसके एजिस क्या है, कोल्ड। बेटा दरमियान में कैंडल रखी ना, अच्छा हो क्या रहा है, ये जो कॉपर है ना, ये जो दरमियान में हीट अप हो रहा है, ये इवनली हीट को स्प्रेड कर रहा है, ये अच्छा कंडक्टर है, हर तरफ से कॉपर शीट क्या हो रही है, इवन हीट ट्रांसफर हो रही है, वो इक्वली एक्सपेंड हो रही है, हर तरफ से इक्वली एक्सपेंड हो रही है, स्ट्रेट रह रही है, अगर इक्वली एक्सपेंड होगी तो स्ट्रेट रहेगी। यहां पर क्या हो रहा है, इट्स अ पुअर कंडक्टर, तो यहां का टेम्परेचर दरमियान का ज्यादा है सराउंडिंग के मुकाबले में, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये दरमियान में ज्यादा गर्म है, अपनी हीट इफेक्टिवली ट्रांसफर नहीं कर रही, वो कर रही है इतनी अच्छे तरीके से नहीं कर रही जैसे वो कर रही थी, तो क्या हो रहा है, दरमियान का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस ज्यादा है, वहां भी डिफरेंस होगा थोड़ा बहुत, लेकिन यहां पर ज्यादा डिफरेंस है, तो दरमियान में ज्यादा टेम्परेचर है तो ज्यादा एक्सपेंशन हो रही है, साइडों पर कम टेम्परेचर है, इवनली स्प्रेड नहीं हो रही तो कम एक्सपेंशन हो रही है, तो जब जो चीज दरमियान से ज्यादा एक्सपेंड होगी तो बल्ज बन जाएगा, ये दरमियान में एक्सपेंशन ज्यादा है, साइडों पे एक्सपेंशन कम है तो यहां पे बल्ज बन जाएगा, और जब ठंडा करोगे तो वो स्ट्रेट हो जाएगी, आपको पता है ना सॉलिड को हीट अप करें तो एक्सपेंड होते हैं, तो ये वही सीन हो रहा है, तो क्या इस पे क्यों बल्ज नहीं बन रहा, तो इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट ट्रांसफर हीट to the edges efficiently, it transfers heat
फ्रॉम सेंटर टू एजेस इफेक्ट मोर, इट ट्रांसफर्स हीट फ्रॉम सेंटर टू एजेस एफिशिएंटली, इफेक्टिवली या इजीली. गुड कंडक्टर है, इजीली. तो एक्सपेंड्स इवनली, इट एक्सपेंड्स इवनली, देयरफॉर नो बल्ज अपीयर्स. यहां पे क्या हो रहा है? इट इज नॉट एज गुड कंडक्टर एज कॉपर, नॉट एज गुड कंडक्टर एज कॉपर. उससे क्या हो रहा है? द टेम्परेचर एट द सेंटर, देर इज मोर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड एजेस, मोर, एक मिनट, लेस हीट ट्रांसफर फ्रॉम सेंटर टू एजेस. यहां पे क्या हो रहा है? लेस हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम सेंटर टू एजेस. ब्लर हो गया. लेस हीट ट्रांसफर फ्रॉम सेंटर टू एजेस, सो मोर टेम्परेचर डिफरेंस, मोर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड एजेस, इट एक्सपेंड्स मोर फ्रॉम सेंटर, इट एक्सपेंड्स मोर फ्रॉम सेंटर देन एजेस, देयरफॉर बल्ज अपीयर्स, देयरफॉर बल्ज अपीयर्स. ऑन कूलिंग इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बल्ज डिअपीयर्स, डिसअपीयर्स. ऑन कूलिंग इट कॉन्ट्रैक्ट्स, देयरफॉर, अब जगह नहीं है, यहां नीचे लिख रहा हूं, देयरफॉर बल्ज डिसअपीयर्स. जी बेटा प्लीज हरी अब जल्दी से लिख लें. दो कॉपर शीट, एक दो मेटेलिक शीट्स हैं, एक कॉपर की बनी हुई है, एक आयरन की बनी हुई है, दोनों को सेंटर पे हीट अप कर रहे हैं. यहां पे कुछ नहीं हो रहा, यहां पे बल्ज बन रहा है, गर्म करने पे, ठंडा करने पे सीधा हो जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट हो रही है. रीजन क्या है? ये गुड कंडक्टर है, ये हीट सराउंडिंग पे एफिशिएंटली इजीली भेज देती है, हर तरह से इवनली स्प्रेड होती है. तो क्या होता है? ये स्ट्रेट रहती है, ये सेंटर पे ज्यादा एक्सपेंड होती है साइडों के मुकाबले में, इससे बल्ज आ जाता है. ठंडा करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट होकर दोबारा स्ट्रेट हो जाती है. प्लीज हरी अप, जल्दी से कॉपी करें. जी बेटा अब आप मुझे बताएं कि गुड कंडक्टर के यूजेस क्या क्या हैं और बैड कंडक्टर की क्या यूजेस हैं. बैड कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें एटम्स रेगुलरली अरेंज नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, एटम्स में गैप ज्यादा होता है, बीच में एयर ट्रैप हो जाती है. एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एयर मॉलिक्यूल्स आपस में कम कोलाइड करते हैं. कॉपी कर ले तो बताएं. कॉपीड, गुड. तो हेडिंग लिखे यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर्स. गुड कंडक्टर्स की क्या यूजेज हैं? जो अच्छे कंडक्टर्स हैं हम उनके बर्तन बनाते हैं ताकि जल्दी खाना पक जाए. ठीक है, गुड कंडक्टर की यूजेस क्या क्या है मैं दिखा दूं आपको. यूजेज ऑफ गुड कंडक्टर्स, दे आर यूज्ड. यूजेज ऑफ गुड कंडक्टर्स कहां पर है बेटा? क्विकली ट्रांसमिटेड, फॉर एग्जाम्पल पैन्स, कैटल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स. ये जितने भी आपके बर्तन हैं लिखिए यूजेज ऑफ गुड कंडक्टर. नंबर वन लिखिए,
किचन यूटेंसिल्स, या पैन्स, कैटल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स, जहां भी आपने हीट को जल्दी जल्दी बाहर भेजना है वहां पे हम यूज कर सकते हैं। जल्दी से लिखें प्लीज। गुड कंडक्टर आर यूज्ड टू मेड अप पैन, फ्राइंग पैन्स, कैटल्स एटसेट्रा, बस ये लिख लें। गुड कंडक्टर्स और मेटल्स आर यूज्ड टू मेक पैन्स, कैटल्स, कुकिंग यूटेंसिल एटसेट्रा, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। और गुड कंडक्टर्स की क्या यूजेस हैं? बर्तन बनाने के काम आते हैं। यू नो मर्करी गुड कंडक्टर है ना, थर्मोमीटर में यूज होती है। मर्करी इज यूज इन थर्मोमीटर टू एब्जॉर्ब हीट एंड गुड कंडक्टर है। एल्यूमिनियम के फ्राइंग पैन बनते हैं, ज्यादा अच्छे कंडक्टर हैं। मोटर व्हीकल इंजन आर मेड अप ऑफ आयरन, ताकि जल्दी जल्दी हीट बाहर कंडक्ट कर दें, ज्यादा गर्म ना हो। कॉपी करें। अजान हो रही है, जल्दी से कॉपी करें। जी बेटा गुड कंडक्टर्स के यूज सारे लिखने की जरूरत नहीं है, वो थोड़े से बताने चाहिए। क्या जी, फ्राइंग पैन आपने लिख लिया, मर्करी का पता है आपको, मोटर व्हीकल इंजन आयरन के बने होते हैं ताकि वो गर्म हो, हीट बाहर कंडक्ट हो जाए, इंजन सीज ना हो जाए। गाड़ी के रेडिएटर भी आयरन के होते हैं। रेफ्रिजरेटर के जो फिन्स होते हैं ना पीछे वाली साइड पे, वो कॉपर के होते हैं, अंदर भी कॉपर पाइप होते हैं, क्योंकि कॉपर अच्छा कंडक्टर है। आप कहेंगे कॉपर ज्यादा अच्छा कंडक्टर है तो गाड़ी का इंजन कॉपर का क्यों बनाते हैं? बेटा कॉपर बहुत महंगा होता है। वायर गॉस जो होती है, आप डायरेक्ट बर्तन को नहीं रखते बर्नर के ऊपर, वो जल जाता है, टूट जाता है। वायर गॉस इवनली स्प्रेड कर देती हीट को। इस तरीके की जो प्लेट है वो भी आयरन की बनी होती है। और हेड ऑफ सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन नहीं जो जिसे टांका लगाते हैं, मेटल को जोड़ते हैं, तारों को जोड़ते हैं, सोल्डरिंग आयरन जो होता है उसकी हेड जो होती है वो भी कॉपर की बनी होती है, ताकि हीट जल्दी कंडक्ट कर ले। सारे लिखने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए। बर्तन आपको पता होना चाहिए और कुछ एक दो चीजों को पता होना चाहिए, बस बहुत है, बहुत लिख लिए। आपने हीट सिंक का नाम सुना है? हीट सिंक क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे लगाई जाती है ताकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ओवरहीट होके जल ना जाएं, उनके ऊपर हीट सिंक। कंप्यूटर के प्रोसेसर पे हीट सिंक लगाते हैं। हीट सिंक कैसी होती है? देखो हीट सिंक इस तरह की चीज होती है। ये हीट सिंक है, ये एक मेटेलिक प्लेट होती है, उसकी मेटल की टांगे होती है, फिन्स होती है। इसको कहां पर लगाया जाता है? ये प्रोसेसर के ऊपर। एक मिनट, ये नजर नहीं आ रहा, मैं जरा ब्राइटनेस ज्यादा कर दूं, आपको नजर आए। ये देखो, ये हीट सिंक होता है, हीट सिंक मेटल का बना होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये मदरबोर्ड का प्रोसेसर के ऊपर ये हीट सिंक लगी हुई है। हीट सिंक, ये भी हीट सिंक है। ये नीचे गर्म होगा, अपनी हीट ऊपर को ट्रांसफर करेगा, फिन्स में हीट आएगी। ये हॉट एंड है, यहां पर हीट ऊपर आएगी कोल्ड एंड की तरफ, और तेजी से आएगी, सराउंडिंग को चली जाएगी। ये हीट सिंक बोलते हैं। हीट सिंक भी मेटल्स की बनी होती है। हीट सिंक
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ठंडा करने के काम आती हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में करंट पास होता है तो हीट अप होती है, हीट अप होकर जल सकती हैं, उनको जल्दी ठंडा करने के लिए उन पर ये चीज चिपका दी जाती है। इसकी मेटल बेस होती है और इसकी फिन्स होती है, मेटेलिक फिन्स, हीट सिंक, आपको बस नाम बताना चाहिए, हीट सिंक्स। गुड कंडक्टर की यूजेस क्या है, बर्तन बनते हैं, हीट सिंक बनती है, मर्करी थर्मामीटर में मर्करी यूज होती है, और इस्त्री की जो प्लेट है वो आयरन की होती है, और गाड़ी के इंजन मेटल्स के होते हैं ताकि हीट जल्दी रेडिएट आउट हो। सोल्डरिंग आयरन का हेड भी कॉपर का बना होता है ताकि हीट जल्दी रेडिएट आउट हो, तो ये हीट जल्दी कंडक्ट हो, सॉरी रेडिएट नहीं, कंडक्ट हो। अच्छा, बैड कंडक्टर के यूजेस क्या हैं, बैड कंडक्टर्स क्या होते हैं, वुड बैड कंडक्टर है, प्लास्टिक बैड कंडक्टर है, फर बैड कंडक्टर है, थर्मोपोल बैड कंडक्टर है, जिनमें एयर ट्रैप हो जाती है, आपकी क्विल्ट जो आपकी रजाई होती है बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर के यूजेस क्या होते हैं, ये हम इंसुलेशन के तौर पे काम करते हैं। यूजेस ऑफ बैड कंडक्टर्स क्या होते हैं, मटेरियल्स सच एज कॉर्क, फाइबर ग्लास, हाँ जी, आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इनमें एयर ट्रैप हो जाती है ना, एयर ट्रैप हो जाती है, एंड एयर इज गुड इंसुलेटर, एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो बैड कंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर इंसुलेशंस, लिख देता हूं, बैड कंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर थर्मल इंसुलेशंस, बैड कंडक्टर्स आर यूज्ड इन थर्मल इंसुलेशन, ब्लैंकेट, जहां पे आप चीजों को इंसुलेट करना होता है ताकि हीट बाहर ना जाए, यू नो, ग्लास जो बने होते हैं, थर्मोपोल के ग्लास बने होते हैं, फूड पैकिंग के लिए थर्मोपोल के ये बने होते हैं, कॉक्स, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं कंडक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट कंडक्शन के थ्रू कैसे होती है, एटम टक्करे मारते हैं, एक एटॉमिक लेयर अगली लेयर को टक्कर मारती है, अपनी एनर्जी उनको देती है, अगली लेयर को टक्कर मारती है, अपनी एनर्जी उनको देती है, और फ्री इलेक्ट्रॉन भी हॉट एंड टू कोल्ड एंड जाते हैं। अच्छे कंडक्टर में एटम रेगुलरली अरेंज होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू रेगुलर रिपीटेड अरेंजमेंट और फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस से। हमने कंडक्टिविटीज कंपेयर करनी है तो एक्सपेरिमेंट बताया मैंने आपको, एक एंड को हीट अप करें, दूसरे एंड पे कैंडल वैक्स से कुछ चीज चिपका दें, जिस मटेरियल की जल्दी कैंडल वैक्स मेल्ट हो जाएगी वो अच्छा कंडक्टर है। फिर हमने क्या बात की कि गुड कंडक्टर्स को यूजेस क्या है, गुड कंडक्टर के जितने भी बर्तन है वो गुड कंडक्टर्स के बनते हैं, हीट सिंक कंडक्टर्स की होती है, इस्त्री की बेस कंडक्टर की होती है, इंजन गुड कंडक्टर आयरन के बने होते हैं ताकि हीट जल्दी रेडिएट आउट हो। बैड कंडक्टर्स, बर्तनों के हैंडल बैड कंडक्टर्स के होंगे, हीट इंसुलेशन जितने भी आपके बर्तन है उनके हैंडल प्लास्टिक की होती है, वुड के होते हैं, बैड कंडक्टर है। वुड कंडक्टर में क्या है, एटम्स रेगुलरली अरेंज नहीं है, उनमें गैप्स हैं, और क्विल्ट में क्या होता है, थर्मोपोल में क्या होता है, या क्विल्ट में क्या होता है, जितने फाइबर्स दूर दूर होंगे, लूजली पैक्ड एटॉमिक फाइबर्स होंगे, उनमें एयर ट्रैप हो जाएगी, वो बैड कंडक्टर बन जाएंगे, एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो दीज आर सम यूजेस ऑफ बैड कंडक्टर्स। ठीक है बेटा, कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ये इजी था, मुश्किल नहीं है, आपको आता था, ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।